मेरा नाम प्रीतम है और मैं 2014 से पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल 2017 से अब मैं क्या नाम है इसमें आया फिटनेस मॉडलिंग में। मैं बेसिक तौर पर तो क्या नाम डेड लिफ्ट चैम्पियन हूँ और वैसे मैं बेंच प्रेस भी खेलता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप जीती थी, वो भी कॉलेज से, इंटर कॉलेज होते थे। उसके बाद मैं खेला था इंटर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो धीरे धीरे स्टेज चलती गई मेरी। अब मैं डेड लिफ्ट नेशनल चैम्पियन हूँ। 2017 में मेरा सिलेक्शन हो गया था मिस्टर इटली के लिए फिटनेस मॉडलिंग में। अक्टूबर की 9 तारीख का गेम था मेरा, पर कुछ खुदा ना खास्ता मेरा वीज़ा नहीं लगा एक तो, और कि मैं बीमार हो गया था, तो उसके कारण मैं 2017 में अक्टूबर की 3 तारीख को मिस्टर दिल्ली खेला था कंपटीशन। ये फोटो ये रही, तो वहाँ के लिए साइज़ वगैरह कुछ रहा नहीं, बीमार हो गया था, वीज़ा नहीं लग पाया, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया था मेरा प्रोग्राम। अब मेरा दोबारा है जनवरी में, वो भी इटली जाने का। देहात के लोग बहुत आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, देहाती लोग, क्योंकि डे बाय डे है ना ये कम होता जा रहा है, मतलब स्पोर्ट्स में किसी की रुचि नहीं रही। बिजनेस मैन लोग बिजनेस के तरीके से अपनाते हैं इसको, और एक लोकली बंदा समझ पाता कि स्पोर्ट्स की अहमियत क्या होती है, चाहे कोई सी फील्ड हो। स्पोर्ट्स इसमें आने से क्या नाम लोग बाग क्या नाम अपने सिगरेट दारू वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मेरे यहाँ क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में जिन के पास आप गए थे रोहित गिल, उनके जिम में मैं वर्कआउट करने जाता था, तो बच्चे वर्कआउट करते थे, वही अपने जो मैं बताया था प्री वर्कआउट वगैरह घोलते रहते थे, तो उनको देखता रहता था मैं, भाई पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे होंगे। तो मैं एक दिन खड़े खड़े ऐसे ही देख रहा था, डेड लिफ्ट करने लग रहे थे, कंपटीशन था उनका, मतलब कि एक डेढ़ महीने बाद। तो रोहित सर आए, बोले क्या नाम है, भाई तू कैसे खड़ा है? मैं भाई कंपटीशन देख रहा हूँ कैसे क्या डेड लिफ्ट करते हैं। चल तू भी खेल ले, तू भी करके ट्राई। मैं भाई मैंने पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कैसे क्या करते हैं। चल कुछ ना होता, उन्होंने मेरे बहुत प्रोत्साहन करा। स्टार्टिंग में वेट उठवाया मेरे से 150 किलो की डेड लिफ्ट लगी उस टाइम पे। उन्होंने चल कोई ना अच्छी बात है, कुछ खा पिए तो नहीं रहा, मगर नहीं कुछ नहीं नेचुरली, अब तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया। चल और अच्छी बात है, अगली बार फिर ट्राई करिए। हर वीक होता था तैयारी, जैसे आज हो गई, फिर मंडे को हो गई, फिर अगले मंडे हो गई, ऐसे। तो मेरी प्रोग्रेस ऐसी थी, 150 लगी है, अगले दिन 170 लगी, अगली बार उससे अगली बार 180 लगी। फिर मेरे को कंपटीशन में ले गए थे मिस्टर बादशाहपुर में कंपटीशन थे। वहाँ जब मैं कंपटीशन चढ़ाया, वहाँ मेरे से लगी 202.5, उस टाइम पर आई थी मेरी 4th प्लेस। फिर मेरा थोड़ा जुनून सा हो गया, क्या नाम, हाँ भी तू कुछ कर सकता, तेरे से पहली बार नेचुरली इतनी सारी लगी। फिर मेरे कॉलेज में भी ये गेम था डेड लिफ्ट का, मगर यार जब मैं बाहर के बंदों को इतना टक्कर देता हूँ, कॉलेज में तो दे ही सकता हूँ, कॉलेज में तो ऐसे बच्चे आते हैं। कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मेरी 2nd प्लेस आई इंटर कॉलेज में। उसको देख मेरा थोड़ा और जुनून जगह, मगर यार यहाँ आ गया तो क्या पता ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। फिर ऑल इंडिया चैम्पियन हमारा गोल्ड मेडलिस्ट आया, ऐसे धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। अगर आप कुछ भी फिटनेस मॉडलिंग से रिलेटेड या फिर पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ भी है, XYZ जो भी मेरे से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।